सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। मैं शिवानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ BHIC 108 रेज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट सेकंड सॉल्फेड असाइनमेंट 22 से 23 के सेशन में। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस फॉर्मेट से आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने होते हैं एंड जिससे आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट, अगर आप को इनके सॉल्फेड PDF या फिर हैंड रिटन का ऑर्डर देना है तो आप हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने असाइनमेंट्स पर। स्टूडेंट, हम आ गए अपने असाइनमेंट्स पर। ये हमारा BHIC 108 रेज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट। स्टूडेंट, ये हमारा असाइनमेंट नंबर 1 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है एंड इसके आंसर आपको 500 वर्ड्स में देने हैं एंड देन आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट, हमारे असाइनमेंट्स को नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा असाइनमेंट नंबर 2, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं स्टूडेंट। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। सो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि कलरफुल शीट का यूज़ नहीं करना है, ब्लैक एंड वाइट शीट यूज़ करनी है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करना है एंड नीट एंड क्लीन तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। स्टूडेंट, असाइनमेंट शीट पे आप कोई भी क्रिएटिविटी ना करें। स्टूडेंट, ये आता है हमारा असाइनमेंट नंबर 3, ये हमारा 6 क्वेश्चन, इसके आंसर आपको 100 वर्ड्स में देने हैं। स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं पर फिनिश होती है एंड स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं शिवानी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।